आपको चेक करके दिखाते हैं, जैसे कि लीड को हम यहाँ पर हमारे पास एक गैंग बॉक्स है इसमें लगाते हैं, तो आप यहाँ रीडिंग देख रहे होंगे दोस्तों कि 218 वोल्टेज अभी बता रहा है इस वक्त। हो सकता है कि थोड़े क्लीन ना दिखता हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों मार्केट से हमने एक नया मल्टीमीटर खरीद के लाया है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीमीटर को कैसे उपयोग में लेते हैं, मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं प्रॉपर। एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि वोल्टेज कैसे चेक होते हैं, एम्पेयर कैसे चेक होते हैं, सारी चीज आपको इस वीडियो में एक एक चीज बताएंगे बारीकी से। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, तभी आपको एक एक चीज समझ आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं इम्तियाज यूट्यूबर चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिए, ताकि ऐसे मेरे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ एक कवर मिलता है, इसमें एक छोटा सा मैनुअल मिलता है, और ये एक बैग रखने के लिए, जो कि हम इसको अभी रखते हैं साइड में दोस्तों। और इसके साथ एक मल्टीमीटर मिलता है, दो बैटरी मिलता है, और दो ऐसे लीड मिलते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें लीड को लगाते हैं, तो ब्लैक कलर का है और ये भी ब्लैक कलर का है, जिस पर COM कॉमन लिखा हुआ है। तो ये काली वाली लीड को कॉमन पर लगा देंगे, उसके बगल में आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं 750 वोल्टेज 1000 वोल्टेज मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो ये लाल वाले लीड को, और यहाँ पर भी ओम्स है, तो ये लाल वाले लीड को उस जगह में लगा देना है, ये एग्जिट को खाली छोड़ देना है। तो दोस्तों हमने लीड को तो लगा दिया, आपने देखा यहाँ पर जैसे कि दोस्तों ए लिखा हुआ है, ए लिखकर ऐसे ए लिखा हुआ है और ऐसे साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब होगा दोस्तों एसी एम्पेयर, जो कि ऐसे बनाया होगा वो एसी एम्पेयर होगा। तो यहाँ पर 1000 एम्पेयर तक हम लोग चेक कर सकते हैं, जो कि ये हमारा कलम टेस्टर से, आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि कैसे चेक करा जाता है। और यहाँ पर 1 से लेकर 1000 के रेंज तक चेक किया जा सकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं वोल्टेज लिखा हुआ है, जो कि इस प्रकार से लिखकर और दोस्तों इस प्रकार के साइन बनाया हुआ है, तो ये हमारा वोल्टेज है, जो कि 750 वोल्टेज यहाँ तक चेक कर सकते हैं। इससे ये होता है, आपको मैंने बता दिया, वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों, पूरा देखना, तभी एक एक चीज समझ आएगा आपको। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो कि उसके नीचे भी लिखा हुआ है, तो ऐसे भी लिखकर ऐसे एक लाइन बना के ऐसे डॉट डॉट बनाया हुआ है, तो ये इसको कहते हैं डीसी वोल्टेज। इस पर इसको लाकर, ये रोटरी स्विच है, ये रोटरी स्विच को यहाँ लाकर डीसी वोल्ट चेक होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। जैसे कि 200 लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे ऐसे करके बनाया हुआ है, तो ये हमारे बजर के साइन है, फिर उसके बगल में ओम्स बनाया हुआ है, और उसके नीचे में 20K लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो होता है ना दोस्तों, ज्यादातर हम लोग यूज में लेते हैं, जो कि ये वाला पॉइंट है, जो कि हमारे ऐसे डॉट देकर और ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इस पर हम लोग बजर मतलब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसको दोस्तों कंटिन्यूटी ओम्स कहा जाता है। और ये देख रहे हैं 20 मिली ओम्स है, ये 2000 मिली ओम्स है, तो इसको उपयोग में बहुत कम लेते हैं इंडस्ट्रीज में, जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं दोस्तों वो लोग इसका यूज ज्यादा लेते हैं। तो मैं आपको अब एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने जैसे कि दोस्तों मान के चलिए कि हमें एम्पेयर चेक करना है, तो एम्पेयर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा ज्यादा एम्पेयर मतलब ज्यादा लोड है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग दोस्तों, ये जो पहले वाला देखे, यहाँ एम्पेयर की साइन है, जो कि मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा, ये ए लिखा हुआ है, तो ये एम्पेयर वाले साइन पर ऐसे क्लिक करेंगे, और इसको कलम टेस्टर भी कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों मान के चलिए किसी उपकरण में न्यूट्रल और फेस वायर दिया हुआ है, सिंगल फेस की हमारे उपकरण है, और उसमें कितना एम्पेयर अभी खपत हो रहा है, कितना एम्पेयर अभी हमारे करंट उसमें फ्लो हो रहे हैं तार में, तो उसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे कि कलम टेस्टर को ऐसे खोलेंगे और खोल के ऐसे तारों के बीच लगाएंगे, तो हमारे ऐसे तारों के बीच लगाएंगे किसी एक तार के बीच, तो क्या होगा दोस्तों, उसमें एम्पेयर बताएगा इस मल्टीमीटर में कि कितना एम्पेयर इससे आगे को जा रहा है। तो अब मैंने आपको एम्पेयर बताना सिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ये जो भी वाला और ऐसे करके फ्रीक्वेंसी का साइन है दोस्तों, तो इस पर वोल्टेज चेक होगा हमारे एसी वोल्टेज। जैसे कि भी 750 पर हमने सेट कर दिया, तो इस पर अब एसी वोल्टेज चेक करेंगे, मैं आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि लीड को हम यहाँ पर हमारे पास एक गैंग बॉक्स है इसमें लगाते हैं, तो आप यहाँ रीडिंग देख रहे होंगे दोस्तों कि 218 वोल्टेज अभी बता रहा है इस वक्त। हो सकता है कि थोड़े क्लीन ना दिखता हो, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 218 वोल्टेज बता रहा है, ये सिंगल फेस मैंने चेक किया, तो
यहाँ पर डीसी वोल्टेज दिखा रहा है, जैसे कि वी वन के डॉट डॉट और फिर एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये हमारे डीसी वोल्टेज का साइन है। तो इस पर डीसी वोल्टेज चेक होते हैं, तो रोटरी स्विच को यहाँ रखेंगे और ये डीसी वोल्टेज, जैसे कि बैटरी हो गया और भी कोई चीज होते हैं जो कि डीसी वोल्टेज सप्लाई होता है उसमें, जैसे बैटरी में डीसी वोल्टेज होता है, तो यहाँ पर करके बैटरी चेक कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक वोल्ट से लेके हजार वोल्ट तक बैटरी चेक कर सकते हैं, डीसी वोल्ट आई मीन चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास एक बैटरी है जो कि 9 वोल्ट का है, तो मैं आपको डीसी वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे वायर के दो लीड हो गए, मल्टीमीटर के क्लंप मीटर के दो लीड हो गए, तो एक लीड को यहाँ रखेंगे दोस्तों, एक को यहाँ रखेंगे। तो अभी मैंने कंटिन्यूटी पर किया था इसीलिए नहीं बता रहा, इसको डीसी वोल्टेज पर करते हैं दोस्तों। मैंने डीसी वोल्टेज पर कर दिया और करने के बाद देखिए आप देख रहे हैं ये बैटरी 3 वोल्ट बता रहा है, क्योंकि ये बैटरी दोस्तों डाउन है इसीलिए 3 वोल्ट बता रहा है। तो इससे डीसी वोल्टेज चेक करते हैं, जो भी और एक ऐसे खींचा होगा लाइन और डॉट डॉट दिया होगा उससे डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा। उसके नीचे जो 200 लिखा हुआ है ये बजर है, आई मीन इसको कंटिन्यूटी कहते हैं। तो जैसे कि हम दोनों लीड पर, ये दोनों लीड पर जब सटाएंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाएगा और बजर बजेगा, जो कि इसमें दोस्तों बैटरी लो है इसीलिए साउंड नहीं हो रहा है। अगर बैटरी थोड़ा नया होता तो आपको साउंड सुनाई देता, शायद वीडियो में सुनाई दे रहा होगा, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक ये बल्ब है, ये 100 वाट की बल्ब है। अब ये खराब है कि अच्छा है हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी, तो इसको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक लीड को यहाँ रखेंगे और एक लीड को दोस्तों यहाँ रखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में शो हो रहा है 52.2, मतलब ये हमारे बल्ब सही है। दोस्तों हमारे पास एक वायर है, तो वायर को चेक करने के लिए कैसे चेक करते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों इसी कंटिन्यूटी के साइन पर रखेंगे, एक लीड को एक तरफ लगाएंगे वायर का और दूसरा लीड को वायर के दूसरी तरफ लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसके वैल्यू शो हो रहा है 0.8, मतलब ये हमारे वायर अच्छे हैं, कहीं से अंदर से ब्रेक नहीं है। अब मैंने आपको कंटिन्यूटी दिखा दिया दोस्तों। आगे इस पर जो ओम्स चेक होते हैं, ये सब इंडस्ट्रियल में बहुत कम यूज आते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक का काम होता है दोस्तों वहां ये सब यूज में आते हैं। जो इधर दिया हुआ है दोस्तों वही चीज इधर भी दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इधर वाले लाइन और इधर वाले लाइन दोनों सेम है। मल्टीमीटर आप चाहे जिधर को घुमा के चेक कर लें, दोनों तरफ एक ही चेक होता है दोस्तों। दोस्तों आई होप कि हमारी वीडियो काफी पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे मेरे हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इससे जुड़े अगर कोई डाउट हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं कमेंट का इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ।